उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा लोगों से पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह का वक्त है और लोग अक्सर चाय की चुस्कियां लेते हैं, लेकिन इस वक्त अगर बात करें उत्तराखंड की तो 2 महीने बाद चुनाव है और चुनाव से पहले भी चाय की चुस्कियों पर चुनाव की सरगर्मियां हैं, चुनाव की बातचीत है, पार्टियों की बातचीत है, किसकी सरकार मिलती है, आप महिला हैं, किस तरीके से आप सोच रही हैं कि जो उत्तराखंड मौजूदा सरकार है उनका किस तरीके का रवैया रहा महिलाओं के लिए, अगर बात करें। कोई कुछ भी नहीं हुआ अब तक, क्योंकि फॉर्म्स आते हैं, लेट हो जाती है, रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इस वजह से इस तरीके की नाराजगी तो रही है कि लगातार अगर यहाँ पर बात करें। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। जी क्या लग रहा है, अब चुनाव भी नज़दीक हैं, चाय की चुस्कियां, कामकाजी महिला हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, किस तरीके का लगता है कि गवर्नमेंट ने कितना काम किया है रोजगार को लेकर? गवर्नमेंट का मैं ज़्यादा तो मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, इतना मैं ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना महिलाओं के लिए। महिला उठे भी तो कैसे उठे, अपने लिए कुछ सवाल मांगे भी तो कैसे मांगे, क्योंकि अपना ही इनका कम नहीं होता तो दूसरों का क्या सुनेंगे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे अगर सरकार अब की बार जो आए तो महिलाओं की ज़रूर सुने, महिलाओं की इच्छा पूरी करे, उनके बच्चों के लिए सोचे, और जो वृद्धा महिलाएं होती हैं उनकी पेंशन के बारे में सोचे, ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो आगे चल के। बस यही चाहते हैं अगली सरकार कुछ ऐसा ही लाए। अच्छा, इस वक्त जो सबसे खास बात है, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो मत देना है, कि मतदान जब करेंगे उसी की सरकार बनेगी जो जनता चुनेगी, तो क्या सोच है इस बार? चुनाव होता है, जब वोटिंग लेने का टाइम आता है, जब तो बोलते हैं हम ये वाली नौकरी निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं ना, उसके बाद तो वो भूल ही जाते हैं कि किसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाए, क्योंकि लड़कियां बहुत सारे ऐसे बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करती सरकार जीतने की, सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होता, वो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर 5 साल बाद 6 साल बाद वो फॉर्म्स निकालती हैं, रिजल्ट भी बहुत लेट लेट आते हैं, उसका कोई वो नहीं होता। मौजूदा सरकार ने खासतौर पर रोजगार को लेकर बात की है, तो क्या लगा कि इस बार जो बीजेपी की सरकार रही कितना फ़ायदा रहा उत्तराखंड को, क्योंकि अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं? सर ऐसी बात नहीं है, करने को किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया है महिलाओं के लिए, करने को किया है और नहीं भी किया है मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि कई सारे मेरे साथ के हैं जो मुझे बोलते हैं कि मतलब ऐसा सरकार ने नहीं किया, ऐसा करते तो शायद ऐसा हो जाता, अगर चीज़ें लेके जोड़े तो शायद कुछ नहीं भी किया, और किया भी है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि देखो वो भी सरकार है, उन्हें भी देखना है अपना, वो भी चला रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, बस यही है। बातें होती हैं, अब देखिए ये भाई साहब हैं, ये यहाँ पर तंदूरी चाय बनाते हैं, इनकी अपनी शॉप है, भाई साहब क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है, जो भी हम काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे उसको कितना भी छुपा लिया जाए विरोधी दल के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम, तो किसी न किसी दिन सामने निकल कर आ ही जाता है, और कोई भी झूठ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपता। तो रही बात सर सरकार आने की, मैं यही कहूँगा जो जनता जिसको पसंद करती है उसकी सरकार डेफिनेटली आएगी ही आएगी। कौन से ज़िले से हैं आप? चमोली ज़िले से हूँ, कर्णप्रयाग से। चमोली ज़िले आप युवा हैं, अभी जो मौजूदा सरकार है 57 सीटें पहली बार किसी गवर्नमेंट को मिली, आप लोगों की बदौलत, जनता की बदौलत, किस तरीके का कार्यकाल देखा है आप, क्योंकि 2 महीने रह गए 5 साल पूरे होने वाले? जी बीजेपी का कार्यकाल अगर हम देखें तो संतोषजनक रहा है, मोदी जी का जो कार्यकाल है और डबल इंजन की जो सरकार बोल रहे हैं, तो उत्तराखंड में आप जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ऑल वेदर रोड हो या रेलवे प्रोजेक्ट हो, तो काफ़ी काम हुआ है, और विशेषकर पहाड़ में बहुत काम हुआ है, लोगों को थोड़ा पलायन से मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा, अभी इतना तो नहीं लेकिन कुछ हद तक प्लान पे वहाँ पे रिवर्स प्लान जो हो रहा है उससे संतुष्ट है। मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, वो तो कह रहा है कुछ नहीं किया, और इस बार जनता कांग्रेस को चुनने वाली है, ऐसा कुछ है, किस तरीके की सरगर्मियाँ हैं प्रदेश में? मैं विशेषकर चमोली की बात करूँ तो चमोली में कुछ जो ये जितने पहाड़ में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उस हिसाब से, और फिर मोदी सरकार का 5वां सैन्य धाम के रूप में जो चमोली ज़िले से शुरुआत करी है, और सैन्य धाम जो है हमारे विशेषकर पहाड़ के जो युवा हैं वो भारतीय सेना में इच्छुक वो रखते हैं, तो इसलिए उनका विशेषकर मोदी जी का भी यहाँ पर लगाव रहा है, तो मैं समझता हूँ
कांग्रेस अपने सरकार के लिए कुछ ना कुछ अगर भ्रमित वाली बातें बोले तो युवा नहीं आएगा। युवा अब यहाँ पर मिले हैं, महिला शक्ति यहाँ पर मिली हैं, तो उनके बीच किस तरीके की चर्चाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिली जुली बातें हैं, कुछ संतोषजनक सरकार का कार्यकाल माना जा रहा है, कुछ असंतुष्टियां भी हैं रोजगार को लेकर, कुछ असंतुष्ट भी महिलाएं नजर आई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज़ हैं और जिस तरीके से कुल्हड़ वाली जो चाय है, जो तंदूरी चाय उबल रही है, इसी तरीके से जो बातचीत है वो भी बातचीतें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तेज़ हो चली हैं। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून।